हाय फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलिए आज बात करते हैं एक फिल्म और उसके संगीत के बारे में। फिल्म है 1973 की अमिताभ बच्चन जी और जया भादुरी जी की अभिमान, जिसमें सराहनीय कहानी, एक्टिंग और संगीत के साथ कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिविया भी है। बोथ अमित जी एंड जया जी प्ले सिंगर्स, राइट? तो आइडियली इन दोनों के लिए एक फिक्स्ड आवाज होनी चाहिए थी फिल्म में, लेकिन तीन सिंगर्स बने अमित जी की आवाज। किशोर कुमार जी फॉर मीत ना मिला रे मन का और तेरे मेरे मिलन किए रहना, रफी साहब फॉर तेरी बिंदिया रे, और तीसरे सिंगर कौन है वो अपनों में कभी ऐसा कहीं होता है, ये तो बड़ा धोखा है। मुकेश जी नहीं, वैसे ओरिजिनली मुकेश जी ही गाने वाले थे इस गीत को, लेकिन जब उन्होंने डेमो रिकॉर्डिंग सुना, उन्होंने ये गीत गाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें डेमो सिंगर की आवाज बहुत पसंद आई और वो चाहते थे कि इस सिंगर को ये अपॉर्चुनिटी मिले। तो ये तीसरे सिंगर हैं मनहर उदास जी, पंकज उदास जी के बड़े भाई। अच्छा, जया जी की आवाज कौन बनी? ऑफकोर्स लता जी ना, टेक्निकली यस, बट देयर इज अनदर सिंगर हु वॉइस्ड जया जी, इवन दो ओनली फॉर अ कपल ऑफ लाइन्स। देखिए, डब करने वाली थी, लेकिन एसडी बर्मन दा को इस डेमो सिंगर की आवाज इतनी पसंद आई कि इन्होंने इसे फिल्म में रिटेन कर लिया। इस शिव श्लोक को रिकॉर्ड करवाया बर्मन दा के असिस्टेंट अरुण पौडवाल जी ने, और इन्हीं की पत्नी अनुराधा पौडवाल जी ने इसे गाया। दस अभिमान बिकेम द फर्स्ट मूवी ऑफ हर करियर। आगे चलकर मनहर जी और अनुराधा जी ने कुछ यादगार डुएट्स गाए, जैसे तेरा नाम लिया फ्रॉम राम लखन और सुभाष घाई की हीरो के सुपरहिट गीत तू मेरा जानू है और डिंग डोंग ओ बेबी सिंग सॉन्ग। और भी इंटरेस्टिंग बातें हैं खासकर अनुराधा जी के बारे में। फिर कभी, बाय फॉर नाउ।